एक्स फैक्टर। तैयार पेपर, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो कितनी डरावनी जगह है, ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी का सेट है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इस इमारत में बहुत ही अजीब मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, मुझे उसके सिग्नल्स शहर भर में मिल रहे थे, पर यहाँ वो संकेत सबसे ताकतवर है। अगर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया तो शील्ड को कॉल कर देना। हेलो, कोई है यहाँ? तुम स्कैन करके इंसानों को ढूंढो ना। ये अजीब वो गरीब ऊर्जा से मेरे डिस्प्ले में बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं तुम्हें सुन भी नहीं पा रहा हूँ। रात को देखने की ताकत और इंफ्रारेड में भी गड़बड़ी है, विजिबल स्पेक्ट्रम्स में भी बहुत गड़बड़ी है। हे, तुम ठीक हो? तुम होश में हो? पेपर, यहाँ एक बेहोश आदमी पड़ा है। हिलना मत, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। एक और दया के काबिल इंसान, वो भी कवच में। उसे लगता है वो मेरे जितना ताकतवर बन सकता है। कल रात न्यूटन का विरोध करने की वजह से साइमन ट्रास पर हमला हुआ। उनकी संस्था ह्यूमैनिटी नाउ न्यूटन के खिलाफ आवाज उठाएगी। वो टोनी, कचरे के डब्बे में गिरने के बाद तुम नहाए नहीं क्या? तुमसे गंदे डायपर की बदबू आ रही है। बिल्कुल सही, एक नहीं 400 गंदे डायपर्स जितनी बदबू। 19 बार नहा चुका हूँ, यकीन करो। उस पॉली रेजिन आयन की बदबू मेरे बालों से निकल ही नहीं रही। ओहो, और जिसने भी मेरे साथ ये किया है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ गायब है। और वो जो तुम्हें कल रात मिला था, राइट? हाँ, साइमन ट्रास्क, वो म्यूटेंट का विद्रोही है। वो म्यूटेंट्स को पहचान कर उन पर काबू करना चाहता है। ये क्या बाबा आदम का जमाना है जो ऐसा करेगा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसके पास मेरे दिमाग पर काबू करने की ताकत है। बाहर बहुत से बुरे म्यूटेंट्स हैं, हमें कम से कम उन्हें पहचान तो लेना चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि उन्हें समाज से निकाल देना चाहिए, उनके ना चाहते हुए भी हमसे अलग कर देना चाहिए? नहीं, अलग तो नहीं करना चाहिए, पर शायद पहचान लेना चाहिए। ठीक है, तो आप सब शांत बैठिए और पढ़े लिखे लोगों की तरह बर्ताव कीजिए। शुक्रिया। आज हमारे बीच एक नई स्टूडेंट है, उनका नाम है एनी क्लेमोंट और वो कोलोराडो से यहाँ पढ़ने आई हैं। खड़ी हो जाओ एनी। हाय, मैं एनी हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अच्छे कपड़े हैं, बिल्कुल किसी आंटी जी जैसे। वाह, कितनी क्यूट है। सही कह रहा हूँ ना, क्या कहते हैं? अगर तुम्हें वो लड़कियाँ पसंद है जो खुद को सबसे बेहतर समझती हैं। मुझे लगता है कि वो शर्मा रही है। मैं कह चुका हूँ, एक्सट्रीमिस्ट से मुझे अनोखे आइडियाज आते रहते हैं। मैं पिम इंडस्ट्रीज को और बैक्स्टर थिंक टैंक को कई नए आइडियाज बेच चुका हूँ। मान गए तुम्हें। जरा सोचो यार, अगले साल तक स्टार्क सॉल्यूशंस स्टार्क इंटरनेशनल से कहीं बड़ी कंपनी हो जाएगी, और तब हैमर की क्या हालत होगी? हे, वो देखो, नई लड़की। बिल्कुल अकेली आ रही है। किसी को वो पसंद ही नहीं। तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है, जरा मुझे देखने तो दो, इसमें है क्या? प्लीज ऐसा मत करो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। झगड़ा? कितनी अजीब बात है, क्योंकि अगर बैग नहीं दिया तो ओ, 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 तुम हो कौन? कोई म्यूटेंट तो नहीं? ये कुछ अजीब लगती है, दूर रहो इससे। तुमने देखा? तुम्हें सच में लगता है कि वो एक म्यूटेंट है? क्योंकि अगर हुई तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। एनी, हाय, हम तुमसे दोस्ती करने आए हैं। मैं जेम्स हूँ और ये मैं हूँ टोनी स्टार्क। मैं जानती हूँ। तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुम काफी मशहूर हो और स्कूल में एडमिशन लेते वक्त मैंने तुम्हारे बारे में सुना। वैसे तुमने जो नीचे किया वो अमेजिंग था। मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर वो मान ही नहीं रहा था। पर तुमने तो उसे छुआ भी नहीं,
हमने सब कुछ देखा, तुम उन्हीं में से एक हो, है ना? एक म्यूटेंट। और ये जानकर तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा। देखो, स्कूल के बाद हम कहीं और जाकर बात करेंगे, यहाँ से बहुत दूर, ठीक है? तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में जो भी बातें हैं हमें कह सकती हो। मैं डर नहीं रही, सच में, अब और नहीं। हम सबके राज होते हैं, है ना टोनी? हाँ। वाह, क्या बात है, तुम और क्या कर सकती हो? मैं लोगों के ख्याल पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं जानती हूँ कि तुम और टोनी कौन हो, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा मतलब, तुम जानती हो? तुम आयरन मैन और वॉर मशीन हो। हाँ, देखो, मैं तुम्हारे राज जाना नहीं चाहती थी, पर मैं बहुत कम लोगों पर भरोसा कर पाती हूँ। तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? मैं एक स्कूल की तलाश में हूँ। ऐसी अफवाह है कि म्यूटेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कूल है, पर बाहर ऐसे भी म्यूटेंट्स हैं जो बहुत बुरे हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं। और उनमें से एक मुझे पकड़ना चाहता है। वो कब से मेरा पीछा कर रहा है। मुझे घर से भागना पड़ा ताकि वो मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसे नॉर्मल लोगों से नफरत है, ऐसा लगता है युद्ध होने वाला है। क्या वो लाल और बैंगनी रंग के कपड़े पहने? हाँ। और लोहे का हेलमेट, जिससे कोई उसके ख्याल पड़ नहीं पाता। और वो क्या मैग्नेटिक रेस को काबू कर सकता है? ओह नो, ये तो वही है, ये मैग्नीटो है। लगा तुम मुझसे ज्यादा देर तक बच पाओगी बच्चे? इस तरफ। तुम्हारे खून में मौजूद लोहा उंगलियों के निशान की तरह अनोखा है। एक बार करीब पहुंच जाऊं तो तुम्हें वैसे ही खोज सकता हूं जैसे शिकारी शिकार को। आगे बढ़ते रहो, जाओ। जल्दी, वो हमारे पीछे ही है। तुम सच्चाई से भाग रही हो, तुम जानती हो कि आगे क्या होगा, फिर भी मुझसे दूर भाग रही हो। बेवकूफ। इसे कहते हैं जोरदार मुक्का। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? तुम मुझे मैग्नेटो बुला सकते हो, और मेरे दोस्त, तुम्हारा कवच भी तो लोहे का बना है। मुझे लगा हमारी पहली मुलाकात से तुमने कुछ सीखा होगा। टोनी, नहीं! चेतावनी। नहीं हिल सकता। कंप्यूटर, सारी ताकत सर्वोस को भेजो। सर्वोस फेल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो रहे हैं, ताकत खत्म हो रही है। उसे छोड़ दो। क्या बात है, तुम्हारी दिमागी ताकत तो काफी तेज है। अगली बार उन चीजों पर कोशिश करना जो लोहे की नाव। तुम उस कवच के अंदर एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। मांस, हड्डियां, नफरत और एक कमजोर रूह। वर्जन 2.4 बंद हो रहा है। बहुत मजा आया, पर मेरे पास 10 के सैनिकों से खेलने का वक्त नहीं है। चलो बच्चे, हमें बहुत सी जरूरी बातें करनी है। एनी, वो उसके साथ क्या करेगा? टोनी, दोस्त नहीं। शुरू किए जा रहे हैं।
उसने मेरी हड्डियों का कचूमर बना दिया था, पर अब मैं ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम्हें इतनी बदहाल जगह पर लाने के लिए माफी चाहता हूं, ये बस कुछ दिनों के लिए ही है, मुझे उनसे छिपकर यहां आना पड़ा। मुझे जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं वही करता हूँ जो जरूरी है। ट्रास पर हुए हमले के बाद हमें एहसास हो गया है कि ये म्यूटेंट्स क्या कर सकते हैं। म्यूटेंट्स को काबू करना जरूरी है, ऐसे लोगों को हम आम लोगों के बीच घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। सेनेटर केली, म्यूटेंट्स को अलग करने में ये सबसे आगे है, हमसे नफरत करते हैं ये। म्यूटेंट्स को पहचाना जाना जरूरी है, हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए इन म्यूटेंट्स के जन्म को हमें काबू में रखना ही पड़ेगा। बचपन में मुझे भी एक इंस्टीट्यूट में कैद करके रखा, मुझ पर परीक्षण किए गए, फिर मैं वहां से भाग गया और तब से भागता रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी बचपन से भागती रही हूँ, हमेशा डर में जीती आई हूँ। तुम सब देख तो रही हो, इंसान हमें अलग करना चाहते हैं, हमें समाज से निकाल देना चाहते हैं और हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो अपने से अलग किसी को भी सहन नहीं कर सकते। मेरे पास एक आखिरी मार्क टू सूट है, अगर मैग्नीटो ने इसे भी बर्बाद कर दिया तो। प्लास्टिक का कवच बना लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी। हाँ, हमारे पास एनी को बचाने के लिए वक्त नहीं है, पर आइडिया अच्छा है। वैसे ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है टोनी, ये मामला म्यूटेंट्स का है। ये फिर शुरू हो गई? तुम म्यूटेंट्स के बारे में ऐसे मत बोलो, हम सब एक ही हैं, हम सब इंसान ही तो हैं। मैं जानती हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि हम दखल दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? रिपल्सर टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है ना? पर मैग्नीटो मैग्नेटिक फील्ड्स को काबू करता है। हाँ, पर स्कैंस के मुताबिक वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज फील्ड या फिर नेगेटिवली चार्ज फील्ड पर काबू कर सकता है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। मैं अपनी फोर्स फील्ड्स ऐसे प्रोग्राम करूंगा जो उसके ऑपोजिट हो जाएगी। बढ़िया, वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया पर सुनने में बहुत ही बढ़िया लगा। तो तुम मेरे फोर्स फील्ड्स को भी बदल डालोगे? वॉर मशीन सुरक्षा के लिए नहीं, हमले के लिए बना है रोडी, उसमें बदलाव लाने में बहुत वक्त लगेगा, पर जब तक तुम करीब रहोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? टोनी, रोडी, सुन रहे हैं? इस जगह पर मैंने वही तकनीक लगा रखी है जो मेरे हेलमेट में लगी है। तुम्हारे ख्याल यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम बहुत ताकतवर हो बच्ची, मैं तुम्हें इन ताकतों का सही इस्तेमाल सिखाऊंगा। कभी नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम उन भेदभाव करने वाले इंसानों से कुछ अलग नहीं हो। छोड़ो मुझे। मेरा युद्ध लड़ने में तुम मेरी मदद करोगी या मैं तुम्हारे परिवार का नामोनिशान मिटा दूंगा। ये देश में दहशत फैलाने वाली कोई अफवाह नहीं है, म्यूटेंट्स एकदम असली हैं और बहुत खतरनाक भी, उन्हें काबू किया जाना ही चाहिए। अब तक मैं स्थिति से अलग तरह से निपटता आया था, जो गलत था। हम इन बेवकूफों से कुर्बानी की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी म्यूटेंट को दिल का दौरा पड़ने का दोष नहीं दिया जा सकता। इसे खत्म कर दो, नहीं तो तुम और तुम्हारे सबसे करीबी लोगों का बुरा हाल होगा। हम रात भर से एनी की तलाश कर रहे हैं टोनी, अब मुझे कहीं से भी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही। रुको, कुछ तो मिला है, बहुत धीमी है। यही है, ये पूरी इमारत मैग्नेटाइज्ड है। क्या बात है, उनसे मेरे सेंसर्स में गड़बड़ी हो रही है। यही तो मैग्नेटिक फील्ड है, जरा हमें सावधान रहना। तुम दोनों ठीक तो हो? बाल बाल बचे,
मैग्नेटो चाहता था कि कोई भी उसका पीछा ना करे। शील डेटाबेस के मुताबिक कोई भी, मतलब कोई भी, हर तरह की सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी थी। इसे शायद कहते हैं वेपन एक्स प्रोजेक्ट। लगता है मैग्नेटो का असली नाम है मैक्स आइजनहार्ट उर्फ एरिक लेंशर उर्फ मैग्नस। वाओ, इसका रिकॉर्ड तो देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे सदी के सुपर विलन का इनाम जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हमें एनी को ढूंढना होगा। जरूरत पड़ी तो हम दिन भर उसकी तलाश करेंगे। टोनी, रोडी, एनी बोल रही हूँ। वाह, तुम हो कहाँ? टोनी, ये हमारा रेडियो चैनल है क्या? नहीं, वो अपने ख्याल सीधे हमारे दिमाग में भेज रहे। मैं 68 स्ट्रीट और हनोवर स्ट्रीट के चौराहे की एक बिल्डिंग की छत पर हूँ। 1747। आज मैं अपने नए प्रस्ताव के बारे में बात करने आया हूँ। प्रोपोजिशन एक्स, म्यूटेंट्स को काबू करने का नियम। मेरे प्रस्ताव के मुताबिक हमें जन्म से पहले म्यूटेंट्स को पहचान कर उन्हें रजिस्टर करना होगा, जैसे किसी बंदूक को करते हैं। देखा तुमने, ये हमें चीज समझते हैं, किसी हथियार की तरह। अगर इस आदमी को ताकत मिल गई तो ये हर म्यूटेंट को बर्बाद कर डालेगा। म्यूटेंट्स एक जेनेटिक गलती होते हैं जो कुदरत से हो गई होती है, एक ऐसी बीमारी जिसे हाथ से बाहर निकलने से पहले ही काबू में करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो उसे दिल का दौरा दे सकती हो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो किसी भी कीमत पर एक शहीद की मौत नहीं मर सकता। कभी नहीं, किसी इंसान की जिंदगी, कोई भी जिंदगी बहुत कीमती होती है। तुम एक कमजोर लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप इसकी कीमत चुकाएंगे, लेकिन पहले तो आयरन मैन। टीन का बंदर फिर आ गया। चले जाओ, काफी अनोखा कारनामा था। एक नहीं हजारों हैं। एनी जाओ यहाँ से, जाओ। कर, तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है। आखिर वहाँ हो क्या रहा? क्या वो एक म्यूटेंट है? तुमने मेरे काम में दखल दी। मेरे मन में ऐसे किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। ये क्या? मुझे बचाया उनमें से एक ने। टोनी, तुम्हारे नीचे देखो। नहीं, चेतावनी के लिए शुक्रिया। म्यूटेंट्स के बारे में तुम्हारे ख्याल बदल गए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एनी या म्यूटेंट्स पसंद नहीं है, मुझे तो बस पूरे म्यूटेंट्स पसंद नहीं। हिल नहीं पा रहा। अब किस्सा खत्म। लगता है तुम भी मैग्नेटिक वेव्स को काबू कर सकते हो, तो फिर ठीक है। मैग्नेटिक किरणों की दखल से कवच को नुकसान पहुंच रहा है। बताने के लिए शुक्रिया। ताकत 30% पर। तुम एक चालाक दुश्मन हो, और जब मैं तुम तक पहुंचूंगा तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ताकत 24% पर है और कम हो रही है। रुक जाओ, अभी बंद मत होना। मेरी बात सुनो, तुम्हें उस
उसका हेलमेट उतारना होगा। वही उसे मेरी दिमागी ताकतों से बचा रहा है। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? उससे गुजारिश करके? मैं पीछे की सीढ़ियों से ऊपर आ रही हूँ, तुम्हें कुछ तो करना होगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, मैंने तुम्हें जाने को कहा था। ताकत 12% पर है और कम हो रही है। उसे स्क्रीन पर दिखाओ, पेपर प्लीज, कोई तो आइडिया होगा। सुरक्षा पर ध्यान मत दो और सीधा हमला करो, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। यूनिबीम फायर करो। जाओ टोनी, उसे छोड़ना मत। तरस के काबिल हो तुम, वैसे भी तुम बहुत कमजोर दुश्मन थे, किस्मत अच्छी थी, चालाक थे, पर मेरे सामने खड़े होने लायक। मेरा भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल है। मैग्नीटो, तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते? ये उठ जाएगा कुछ ही दिनों में, उम्मीद है एक जेल के अंदर। वो रही, देखो वो एक म्यूटेंट है, उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। आप पागल हैं क्या? इसने आपकी जिंदगी बचाई है। बिल्कुल ठीक, इसने हम सब की जिंदगी बचाई है, वो एक हीरो है, उसने हमें बचाया है। मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए अकेले, इससे पहले कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे दुश्मन बन जाए। जब कैमरा वालों ने केली को ऐसी लड़की के खिलाफ बातें करते सुना जिसने उसकी जान बचाई थी, तो उसके साथी उसके खिलाफ हो गए। उसकी बात सुनने वाला अब कोई नहीं है। तुम एक म्यूटेंट हो तो हमें अपनी ताकत दिखाओ। हाँ म्यूटी, तुम तो सिर्फ एक नमूना हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं और ना कभी होगा। उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। तुम कुछ और भी कहना चाहोगे? हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, रिलैक्स।